अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो रेसिपी से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि पूरी रेसिपी की समझ आपको आ जाए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए चने की दाल 500 ग्राम, और गोश्त भी हमने लिया है 500 ग्राम, और प्याज हमने डाला है 3 मीडियम साइज, खुश्क धनिया पाउडर हमने डाला है 1 टीस्पून, गरम मसाला हमने डाला है 1 टीस्पून, नमक हमने डाला है 1 टीस्पून, काली मिर्चें हमने डाली है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च डाला है हमने 1 टीस्पून, हल्दी हमने डाली है 1/2 टीस्पून, साबुत मिर्ची हमने 5 से 6 अदद डाल दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है 2 टीस्पून। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे, ये हमने सब्ज मिर्ची डाली है, पानी हम इतना डालेंगे कि ये हमारा जो दाल है उसके अंदर मिनट तक डूब जाए। हम इसको अब ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगाने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए कुक करना है। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा दाल जो है हम उसको चेक करते हैं, दाल रेडी हो चुका है। इसको हम एक खुले बर्तन में निकाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने पर देखा करें, फिर आपको समझ आएगी। जब आप कुछ चीज़ें छोड़ते हैं वो देखते हैं तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं होती। तो काइंडली आप हमारे जो रेसिपी है, जो वीडियो है, उसको फुल वॉच किया करें और एक लाइक ज़रूर दिया करें। कमेंट्स में आप अपनी राय का भी इजहार करें कि हमें कौन सी डिश बनानी चाहिए और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। हमने इसमें पुदीने के पत्ते डाले हैं, बेसन का आटा डालेंगे छोटी सी जो है ना चम्मच, समझे 1 टीस्पून हम इसमें बेसन का थोड़ा सा आटा डालेंगे, थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे। हमारा ऑयल हो चुका है गरम, और
वन बाय वन जो है कबाब को इस अंडे की जो जरा उस पर भी हमने बनाया है, इसका पेस्ट इसमें हमने एक एक कबाब डबो डबो के जो है ना इसको हमने ऑयल में फ्राई करना है, वो भी हमने फ्लेम मीडियम रखना है और इसके जो साइड है उसको साथ साथ चेंज करते रहना है। आप मसाला जात जो है आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। के साइड चेंज करते रहें ऐसे और 3 मिनट एक साइड से लो से 3 मिनट दूसरे साइड से, और इस तरह हमारे कबाब जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो व्यूवर्स हमारे शामी कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं, हम इसको अब डिश आउट करेंगे। साथ में हमने आप इसको केचप के साथ या कोई भी चटनी पुदीने की चटनी दही की बनाकर उसके साथ आप इसको जो है खा सकते हैं। तो हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।